हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिन टॉपिक्स को करके अगर आप इंटरव्यू या इंटरव्यू प्लस टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो आपका इंटरव्यू भी क्रैक हो जाएगा, और अगर टेस्ट प्लस इंटरव्यू हो रहा है तो टेस्ट भी आप बड़ी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था अपने पोस्ट में कि मैं आज, क्योंकि बहुत सारे आइजर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के जो एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ हैं वो हो चुके हैं, क्यों मेरे पास उस टाइम टाइम भी नहीं था, मैं आउट ऑफ इंडिया था, और कुछ आइजर्स जो हैं जिनके इंटरव्यू प्लस टेस्ट जो हैं वो अभी बचे हुए हैं, और एक IIT जिसकी जो लिस्ट है वो शायद कल सुबह आई थी, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, हिमाचल प्रदेश में है, उसका भी एक लिस्ट आया है जो कि इंटीग्रेटेड PhD और MSc 2 ईयर फिजिक्स प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि जैन के बेसिस पर तो वो इंटरव्यू नहीं लेगा, लेकिन इंटीग्रेटेड PhD के लिए लेगा और टेस्ट भी लेगा जिनको उसने सिलेक्ट किया है अपने CGPA के बेसिस पर। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह आप आइजर कोलकाता और आइजर पुणे और IIT मंडी के इंटीग्रेटेड PhD के टेस्ट प्लस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए होता क्या है फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम एग्ज़ाम्स तो बहुत देते हैं, IIT जैम है, जेस्ट है, और भी जितने भी अदर MSc एंट्रेंसेज होते हैं, जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं तो सबसे बड़ा जो हर्डल रह जाता है वो है टेस्ट प्लस इंटरव्यू का, ठीक है। तो अब आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिन टॉपिक्स को आप करके जाएंगे अगर तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा ये गया है कि स्टूडेंट को इसके बेसिस पर ना कोई पेपर मिलता है पुराने ईयर का, ना कहीं पर कोई टॉपिक मिलता है कि क्या टॉपिक वो पढ़ के जाए, और ना ही सिलेबस मिलता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जिस स्टूडेंट ने पहले ही कर रखा है वही आपको बता सकता है, तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख जाएगा यहाँ पर कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द स्ट्रेटजी टू क्रैक इंटीग्रेटेड PhD इंटरव्यूज और प्लस टेस्ट, ठीक है। तो दो आइजर्स और एक IIT मंडी आपके पास बचा हुआ है इंटरव्यू और टेस्ट के लिए, तो मैं आज उसके लिए आपकी हेल्प करूंगा, ठीक। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर क्रैकिंग IIT जैम, जेस्ट और एनी अदर MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन, द लास्ट हर्डल इज द टेस्ट प्लस इंटरव्यू। इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द स्टेप बाई स्टेप स्ट्रेटजी टू क्रैक IPhD इंटरव्यू, ठीक। तो हाउ टू क्रैक IPhD टेस्ट प्लस इंटरव्यू, अब यहाँ से शुरू होता है फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यहां से शुरू होता है फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा है मैथमेटिकल फिजिक्स। देखिए क्या होता है, अगर आप अभी टेस्ट देने जा रहे हैं और टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा आपका, तो सबसे पहला टास्क है कि आप टेस्ट की प्रिपरेशन करिए, इंटरव्यू को अभी भूल जाइए, क्योंकि इंटरव्यू तभी होगा आपका जब आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। और क्या होता है देखिए, कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूट है वो खुद घबरा जाता है और वो पहले टेस्ट रखवा देता है, ठीक। और अल्टीमेटली वो टेस्ट के बेसिस पर कुछ 50-60 बंदों को शॉर्ट लिस्ट करता है अगेन, एंड देन वो इंटरव्यू लेके सेलेक्ट करता है कुछ 10-12 स्टूडेंट्स को फॉर द प्रोग्राम ऑफ इंटीग्रेटेड PhD। सो सबसे पहला जो टॉपिक आपको कवर करना है टेस्ट के लिए वो है मैथमेटिकल फिजिक्स, और मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या क्या करना है देखिए, सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इन टेस्ट के लिए वो है प्लॉट। अगर आपको प्लॉट खींचना आता है, एक रफ रिप्रेजेंटेशन आता है किसी भी फंक्शन का, तो आप इजीली उस प्लॉट वाले क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। अभी मैं एग्जांपल बता देता हूँ, देखिए लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हाइपरबॉलिक फंक्शन के प्लॉट्स, साइन हाइपरबॉलिक, कॉस हाइपरबॉलिक, टैन हाइपरबॉलिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्स साइन एक्स का प्लॉट, साइन एक्स बाई एक्स का प्लॉट, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, LnX बाई एक्स का प्लॉट, एंड येस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसल फंक्शंस, हर्मिट फंक्शंस एक्सेट्रा, जितने भी डिफरेंशियल पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके भी ग्राफ, इन सभी चीज़ों को आपको करके जाना है। तो ध्यान रखिए इन प्लॉट्स को कर ही लीजिए, अगर आपको प्लॉट नहीं खींचना आता, अभी तक आपने नहीं सीखा है, तो मैंने ऑलरेडी जब मैं JNU की तैयारी करा रहा था उसमें करवा चुका हूँ, आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो सबसे पहले आपको प्लॉट क्लियर करना है, हर एक फंक्शन का प्लॉट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या मेथड्स होते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा मेथड अप्लाई करके बनाइए, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग में रफ बनाइए एंड देन उसको इजीली आप वेरीफाई करिए। सेकंड जो टॉपिक आपको कवर करना है MP में वो है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एनालिसिस। सबसे पहले आप देखिए मैट्रिक्स में बेसिक्स नहीं करना आपको, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, एड जॉइंट, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको नजर डालना है वो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे, डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, इन चार टॉपिक्स को अगर आप करके जाते हैं मैट्रिक्स का,
100% आप कोई सा भी क्वेश्चन टैकल कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा और किसी के ऊपर अभी तक में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर पेपर है तो पेपर दे दो, मेरे पास कोई पेपर नहीं है। ठीक है, ये भी जो इन्फॉर्म है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ गैदर करके कलेक्ट किया है, तो इसीलिए कोई पेपर नहीं है मेरे पास, आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाइए। ठीक, सो मैट्रिक्स के बाद आपको करना क्या है, आप देखिए मैट्रिक्स के बाद आपको करना है टेंसर्स। देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैट्रिक्स के बाद आपको करना है टेंसर्स। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टफ और टफ टॉपिक है ये, क्योंकि बीएससी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं या पढ़ चुके हैं उनको आप टेंसर्स बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि टेंसर्स जो होते हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है, जब जीटीआर वगैरह पढ़ते हैं तो टेंसर्स नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन ये पूछ रहा है टेंसर के ऊपर, तो आपको करना क्या है, एडवांस टेंसर्स नहीं करने, आपको डेफिनेशन ऑफ अ टेंसर्स कर लेना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेंसर्स कर लेना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेंसर्स जैसे कि आपका एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, सिमेट्रिक टेंसर है, एन बाई एन टेंसर है, तो कुछ बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ टेंसर्स करके जाने हैं और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टेंसर्स करके जाना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको करना है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस, डेफिनेशन ऑफ अ रॉस्किन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉस्किन की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डी डिफरेंशियल इक्वेशन, सी एफ और पी आई निकालना, ये तो हर जगह पूछा जाता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ये दो टॉपिक करके जाइए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है सी आर कंडीशन, कॉची रीमान कंडीशन, तो आप इसको करके जाइए। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में तीन थ्योरम्स अगर आप करके जाते हैं, दो थ्योरम्स हैं और एक सीरीज है, ल्योरेंट सीरीज, कॉची थ्योरम और रेजिड्यू थ्योरम, तो आपका 100% क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर वो लोग पूछते हैं। वेक्टर कैलकुलस में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल्स एंड रिलेटेड थ्योरम, जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टॉक्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है, इन तीनों थ्योरम और रिलेटेड आइडेंटिटीज जितने भी हैं, कर्ल डाइवर्जेंस और कर्ल डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप करके जाइए। तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन जो है आपको करना पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट्स टू गो फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी टेस्ट प्लस इंटरव्यू। ठीक, इसी के ऊपर जो है क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल फिजिक्स से। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको कवर करना है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या करना है, सबसे पहले मैक्सवेल्स इक्वेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल्स इक्वेशन को आपको सबसे पहले करना है। मैक्सवेल्स इक्वेशन में क्या सर, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, फिर मल्टीपल एक्सटेंशन, देखिए कोई नहीं पढ़ता लेकिन जे डी जैक्सन एक किताब है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, उसके अंदर ये दिया हुआ है मल्टीपल एक्सटेंशन का पूरा एक्सप्रेशन, डिराइव भी किया हुआ है, आप मल्टीपल एक्सटेंशन का एक्सप्रेशन जो है वो पढ़ के जाइए, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आता है। प्रोपेगेशन ऑफ ई एम वेव, प्रोपेगेशन ऑफ ई एम वेव, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मुझे बताएंगे, मैं शायद आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकूं, मैं बता दूंगा आपको, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा कि नोट्स की जरूरत है या नहीं। सो प्रोपेगेशन ऑफ ई एम वेव में रिफ्लेक्टेंस ट्रांसमिटेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड और परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ई एम वेव, ये सब टॉपिक्स जो है ना सब जे डी जैक्सन में अवेलेबल है, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक है, सब अवेलेबल है और वहीं से ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप जो टेस्ट देने जा रहे हो ना वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए है, यानी इंटीग्रेटेड पीएचडी इज अ कोर्स डिजाइन फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, इसमें कोई आपकी क्लासेस बहुत कम होती है, तो आपको खुद सोचना है कि अगर आपने फॉर्म भरने टाइम में, क्योंकि पूछा होगा आपसे कि क्या रिसर्च इंटरेस्ट है, तो अगर आपने थियोरेटिकल फिजिक्स भरा हुआ है तो आपसे इन्हीं टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा, अगर आपने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स भरा हुआ है तो आपसे वो ऑप्टिक्स वगैरह के भी क्वेश्चन पूछेगा। आप सॉलिड स्टेट के लिए किटल की फर्स्ट 6 चैप्टर्स को रिवाइज करके जाइए और ऑप्टिक्स के लिए आप कोई सी बेसिक जैसे घटक की किताब है आप वो पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है थियोरेटिकल फिजिक्स का, तो थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए मैं आपको आज बातें बता रहा हूँ। ठीक, सो आप आगे क्या करके जाएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, लिखा हुआ है गॉज ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट गॉज, इट्स अ गेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गेजेस, अब क्या होते हैं लॉरेंट्स और कूलम गेज होते हैं, आप ये सब पढ़ सकते हैं एक जैक्सन की किताब में। ठीक है, और पोलराइजेशन ऑफ ई एम वेव, पोलराइजेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सर्कुलर इलेप्टिकल और लीनियरली पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये चीज़ें जो है आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करके जानी है, सारी चीज़ें रेडी जैक्सन में अवेलेबल है, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, कुछ फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए और उसके बेसिस पर अगर एक दो प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसएम, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपको क्या करना है, देखिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इंटीग्रेटेड पीएचडी टेस्ट प्लस इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और आपने जो पढ़ी होगी वो बहुत ही कम पढ़ी होगी और इवन पढ़ी नहीं होगी, कि बहुत सारे स्टूडेंट तो लास्ट सेमेस्टर में होते हैं जैम जेएस वगैरह वगैरह के एग्जाम के चक्कर में पढ़ने पे इसको पढ़ते ही नहीं है,
सो सबसे पहले आपको करना क्या है, मोर बेसिक पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एंट्रोपी एंड गिब्स पैराडॉक्स, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स, पार्टीशन फंक्शन ऑफ एन आइडियल गैस, परफेक्ट गैस, आइडियल गैस एंड डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ द बोसोन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द फर्मियंस, फेज ट्रांसलेशन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर बोथ। फेज ट्रांजिशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप आईआईटी जैम वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर आपको कुछ वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएगी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से भी रिलेटेड और फेज ट्रांजिशन से भी रिलेटेड, ठीक है। तो आप इन पोर्शंस को अगर करके जाते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए तो आपका 100% जो चांस है क्वेश्चन को बनाने का, क्वेश्चन को टैकल करने का, वो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मुझे याद है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आई रिमेंबर वन क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट, इफ वन कंटेनर ऑफ ईच बोसोन एंड फर्मियन गैस आर कैप्ट एट अ सेम टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ विच गैस विल बी हायर एंड वाई। ये मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको देख लीजिए क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बता दीजिए। इफ वन कंटेनर ईच बोसोन एंड फर्मियन गैस आर कैप्ट एट द सेम टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ विच गैस विल बी हायर एंड वाई, ठीक है। तो इसका आंसर आप सोचिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स भी थ्योरेटिकल फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए क्या क्या करना है। बॉन्ड्स इंटरप्रिटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ साई, प्रॉपर्टीज ऑफ साई, कंटिन्यूटी ऑफ साई, ठीक है। सो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर होता है और क्यों होता है, जैसे हम बोलते हैं डी फाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डी डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू बी, जो बाउंड्रीज पे होते हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है, हम क्यों बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। एस थ्योरम कंप्लीटली डिफाइंड है, आप कोई सी भी किताब पढ़ सकते हैं, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, डिफरेंट वेल्स जैसे स्क्वायर वेल पोटेंशियल, बैरियर पेनिट्रेशन, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 2D एंड 3 डायमेंशनल, ऑपरेटर फॉर्मुलेशन एंड ली अलजेब्रा। देखिए ये जो लास्ट टॉपिक है ना ये बहुत ही परेशान करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बीएससी के लेवल पर ली अलजेब्रा का 0% इंट्रोडक्शन है, यानी कुछ भी नहीं बताया जाता है स्टूडेंट को, लेकिन तब भी ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं आईजेड ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको ली अलजेब्रा पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर जाइए, आप वहां पर सस्किंड लिखिए, सस्किंड लियोनार्ड सस्किंड के लेक्चर्स हैं पार्टिकल फिजिक्स के, या कोई सा भी ली अलजेब्रा का अगर आपको वीडियो मिल रहा है आप देखिए, समझिए और समझने के बाद जो है कोशिश करिए क्या समझना है, क्योंकि उतना भी एडवांस नहीं पूछता है आपसे। ली अलजेब्रा इज रिलेटेड टू द ग्रुप थ्योरी, ठीक। सो नेक्स्ट जो है वो है क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो बहुत ही बेसिक है आप लोगों के लिए, आपने किया भी होगा स्फेरिकल हार्मोनिक्स का यूज करके। फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको क्या पढ़ना है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको क्या पढ़ना है आप देख लीजिए। सबसे पहले लैग्रांजियन मैकेनिक्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूटोनियन फिजिक्स, ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन फॉर द कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जेसी उपाध्याय में भी कंप्लीटली डिफाइंड है और गोल्डस्टीन में भी बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, एडवांटेज ऑफ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स ओवर लैग्रांज मैकेनिक्स, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइसन ब्रैकेट्स, ठीक है, स्पेस टाइम सिमेट्रीज एंड नोइथर्स थ्योरम। ये जो टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं ना किसी भी एक क्लासिकल की किताब से, अगर आपके पास क्लासिकल की किताब नहीं है तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ लिंक दे दूंगा। क्लासिकल मैकेनिक्स की किताब से अगर आप ये सारे टॉपिक्स कर लेते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स के 100% क्या 200% आप उस क्वेश्चन को लगा के आएंगे अगर इन टॉपिक्स को कर लेते हैं। देखिए कुछ ये सारे टॉपिक्स नॉट ओनली फॉर द टेस्ट बट ऑल्सो वैलिड फॉर द इंटरव्यूज क्वेश्चन, इंटरव्यू में भी आपसे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पैनल होता है, पैनलिस्ट बैठे होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, बहुत ही टफ टफ क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको उसी लेवल से तैयारी करके जाना होगा, ठीक। सो ये मैंने आपको बताया है अभी क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पोर्शन जो आपको कवर करके जाने हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपसे कोई इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इंटरव्यूज आर ओनली फॉर स्टूडेंट हु wants to join a research program in Indian institutions. अगर आप रिसर्च ऑरिएंटेड स्टूडेंट हैं तभी आप इंटीग्रेटेड पीएचडी सेलेक्ट करेंगे, इसलिए वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ और बातें, देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए हैं
पैनलिस्ट ने पूछे हैं और स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं और आपको क्या गलत टेस्ट के बारे में मैं बता चुका हूं। अब मैं बता रहा हूं आपको इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू में किस टाइप से क्वेश्चन जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है किस टॉपिक से वो भी मैं आपको बता रहा हूं और आप क्या गलती करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, यानी आपको हमेशा सच बोलना है, हिचकिचाना नहीं है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो और आप बीच में 10 बार अटक ही रहे हो, आप अपने जुबान को बंद कर दे रहे हो उस पैनलिस्ट के सामने उस साइंटिस्ट के सामने। तो आपको ध्यान रखना है सच बोलना है, आप किसी भी चीज़ को लेकर गलत मत नहीं कि सर इसका नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस शो मत करिए। एक बार मैं IMSC गया था वहाँ पर मैंने यही गलती कर दी थी और वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका मॉडर्न फिजिक्स सॉरी एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स जो कि है व्हाट इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आएगा व्हाट इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग उन्हें बेवकूफ बनाने के चक्कर में आप उन्हें एक्सप्रेशन लिख के दिखा दोगे कि सर ये है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग J=L.S या L+S सॉरी J=L+S, आप एनर्जी टर्म वगैरह लिख के दिखा दोगे लेकिन वो आपको समझ जाएगा कि इसे कुछ नहीं मालूम। आपको फिजिकली एक्सप्लेन करना आना चाहिए, सिंबल्स के टर्म्स में मत एक्सप्लेन करिए, फिजिकली एक्सप्लेन करिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, क्या उसमें लार्मर प्रिसीजन होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो फिजिकली उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। अगर आपने सिंबल्स के टर्म में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो वो समझ जाएंगे कि आप जो है कॉन्फिडेंस ही शो कर रहे हैं, आपको पता है लेकिन आप जो है बेकार की बातें कर रहे हैं, वो बहुत ही तेज होते हैं जो वहां बैठे होते हैं, इस बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन व्हाट इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ठीक। सबसे पहले ध्यान रखिए प्रिपेयर एटलीस्ट 2 टॉपिक्स, अगर आपने थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए भरा है एग्जाम्पल GTR के लिए भरा है तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स करके जाइए, अगर आपने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए किया है तो मैथमेटिकल फिजिक्स और सॉलिड स्टेट करके जाइए, अगर आपने हाई एनर्जी फिजिक्स के लिए किया है तो मैथमेटिकल फिजिक्स प्लस क्वांटम मैकेनिक्स करके जाइए, कोई ना कोई मिनिमम 2 टॉपिक करके जाइए, क्योंकि अगर आप एक टॉपिक वो आपसे पूछेंगे सबसे पहले कि आप बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, अब आप सोचिए आपने बोल दिया कि मुझे लगता है सबसे अच्छा ऑप्टिक्स, तब वो आपको पकड़ लेंगे और आपसे ऑप्टिक्स के ही टफ से टफ क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें 2 या 3 या 4 अच्छे अच्छे टॉपिक्स बता दिए कि मुझे जो है क्वांटम मैकेनिक्स भी अच्छी लगती है, मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स भी अच्छा लगता है, मुझे क्लासिकल भी अच्छा लगता है, तो वो आपको बहुत सारे चॉइसेस देंगे और जब भी आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे देन आपको बाहर भेज देंगे। तो आप ध्यान रखिए अगर आप एक ही टॉपिक बोलते हैं आप फंस जाएंगे, वो धीरे 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 लेवल बढ़ाते जाएंगे, टफ होता जाएगा और आपका सिलेक्शन रेट घटता जाएगा। तो आप 2 या 3 टॉपिक उन साइंटिस्ट के सामने बोलिए कि मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है और मैं इसके आगे और भी अच्छा करना चाहता हूँ, ठीक। ये ध्यान रखिए बेसिक्स अपने क्लियर रखिए, आर्थर बाइजर्स मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के जाइए, ठीक है, और आप ग्रिफिथ्स पढ़ के जाइए, किटल पढ़ के जाइए सॉलिड स्टेट के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लैग्रांजियन जो है लैग्रांजियन के ऊपर हैमिल्टोनियन का क्या एडवांटेज है, Why we need to do Hamiltonian mechanics over Lagrangian mechanics? तो आपको पता है वहाँ first order differential equation होती है, वहाँ second order differential equation होती है, तो थोड़ी सी जो है आपको basic जो चीज़ें हैं वो clear होनी चाहिए। What does the derivative of psi becomes discontinuous and why? क्या meaning है? How does the operator changes when you change the basis? ये भी question है, आपको इन question की PDF चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। What can you conclude when you are informed that two operators अगर commute हो रहे हैं तो what does that mean? What state the basic properties of the Lie algebra? मैंने आपको बोला Lie algebra से भी question पूछते हैं वो लोग। What are the approximations in the bonds approximation? ये ध्यान रखेंगे bonds approximations में approximations क्या थे, तो ये कुछ question quantum के थे। Stats में अगर हम बात करें relation between entropy disorder and what is Gibbs paradox? What is the difference between first order and second order phase transition? Discuss the difference between fermions and bosons. If ये मैं बता चुका आपको एक question. Mathematical physics में plots. When do the matrix become diagonalizable? What is the tensor? ऐसे ऐसे question जो है वो interviewer जो है वो आपसे पूछेगा। तो ध्यान रखें आप कि इन questions को आप करके जाइए, ठीक है, जो भी इन question मैं आपको PDF दे दूंगा इन क्वेश्चंस को आप करके जाइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए और टेस्ट के लिए आप उन सभी टॉपिक्स के फॉर्मूले एक एक दो दो प्रॉब्लम्स, क्योंकि मे बी अभी आपके पास टाइम भी होगा 17 या 18 जून से है, तो आप पढ़िए उसे करिए और करके ट्राई करिए कि हाँ अब आपका हो जाएगा, और अगर आपने इन सभी को कर लिया तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आप लोग के सिलेक्शन के, ठीक है।
इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला था मैं बता चुका हूँ। और फ्रेंड्स एक दो बातें और बताना चाहता था, जैसे कि कल IIT जैम का जो फर्स्ट काउंसलिंग का जो लिस्ट है वो आ गया था। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मुझे अपग्रेड करना चाहिए, फ्रीज करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको जो आपने प्रेफरेंस भरी थी, जैसे नंबर 8 पे भरी थी और वो नंबर 8 था IIT हैदराबाद, आपको IIT हैदराबाद मिली, आपको अगर लगता है कि IIT हैदराबाद से कोई बेटर है, देन आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करिए, क्योंकि हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं IIT हैदराबाद इज द बेस्ट फॉर मी, देन आप हैदराबाद को एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दीजिए। अपग्रेड तभी करिए जब आपको ऐसा लगता हो कि आपके रैंक उतनी है या नहीं, ठीक है, और नहीं तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके बैठ जाइए, ठीक। तो जिनका भी अच्छे अच्छे IITs में सिलेक्शन हुआ टॉप के IITs में, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा, आपके फ्यूचर जो है काफ़ी अच्छी बन सकती है अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ डिग्री लेकर निकलेंगे तो फिर बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। आप पढ़िए, बेसिक्स को सीखिए। फिजिक्स जो होती है बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट होती है और आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से वैल्यू देगी आपको आगे जाके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, और इसका जो PDF है मैं आपको दे दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिटर हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी इंटीग्रेटेड PhD टेस्ट प्लस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।